अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स? ये मैं जो अब सवाल कर रहा हूँ, ये नवंबर 2012 का पेपर नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 3 है ए लेवल्स का, और इसमें हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से रेलेवेंट कुछ बातें सीखेंगे और कुछ सेंसिटिविटी एनालिसिस से रेलेवेंट बातें सीखेंगे। सवाल को मैं रीड कर कर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? सवाल बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल में लिखता है, कृति सिंह मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट एंड यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग डिसीशंस। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको यूनिट्स से डिवाइड कर यूनिट्स में एब्जॉर्ब करते हैं उसकी अमाउंट। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 किलोज ऑफ रॉ मटीरियल, हर प्रोडक्ट पर 3 किलो रॉ मटीरियल लगता है, कॉस्टिंग $8 पर किलो, और 1 किलो की जो कॉस्ट है वो $8 है, एंड 4 आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर एट $7.50 पर आवर, और लेबर लगता है 4 घंटे और हर घंटे के लिए मैं 7.5 पे करता हूँ। अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट अमाउंट टू $4 पर यूनिट, दूसरी जो कॉस्ट है वो $4 पर यूनिट है, यानी कि 3 चीज़ें हैं, रॉ मटीरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और इसके बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है? ये 3 तरह की अलग अलग कॉस्ट हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, द सेल्स मैन इज पेड अ कमीशन एंड अर्न्स $2.50 फॉर ईच आइटम सोल्ड। जितनी चीज़ें बिकती हैं सेल्स मैन को उस हिसाब से उस पर कमीशन मिला करता है। द फैक्ट्री सुपरवाइजर इज पेड $18,000 अ ईयर, और जो फैक्ट्री सुपरवाइजर है उसको पूरे साल के $18,000 भी पे होते हैं। कॉस्ट ऑफ शिपिंग टू कस्टमर इज $1 ईच। अगर मैं कस्टमर को कोई चीज़ डिलीवर करता हूँ या शिपिंग करता हूँ या भेजता हूँ तो मुझे $1 पे करना होता है। एवरी टाइम 50 यूनिट्स आर कम्प्लीटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ $30 इज परफॉर्म्ड ऑन द मशीन, हर 50 यूनिट्स बनाने के बाद मशीन पर $30 की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। फैक्ट्री रेंट इज $24,000 अ ईयर, फैक्ट्री का रेंट है वो $24,000 है पूरे साल का। अदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अमाउंट टू $12,000 अ ईयर, दूसरे सारे खर्चे 12,000 के हैं। वेरिएबल एडमिन कॉस्ट अमाउंट टू $8.20 पर यूनिट सोल्ड, हर यूनिट जो बिकता है उस पर मुझे वेरिएबल एडमिन कॉस्ट भी पे करनी है। ऑन 1 अप्रैल देर वे नो यूनिट्स इन इन्वेंट्री, ड्यूरिंग द मंथ 1,250 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, इतने यूनिट्स बनाए। ऑन 30 अप्रैल देर वे 150 यूनिट्स अनसोल्ड। तो अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था और आपने 1,250 यूनिट्स बनाए और साल के आखिर में 150 यूनिट्स बच गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरे साल में कितने यूनिट्स बेचे होंगे, 1,250 माइनस 150, यानी कि आपने 1,100 यूनिट्स जो है ना वो बेचे होंगे, ठीक है? सवाल कहता है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो चलिए हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, पार्ट ए बड़ा आसान सा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। एक यूनिट की अगर बात करूं तो लिखा हुआ है कि 1 यूनिट में 3 किलो रॉ मटेरियल लगता है और 1 किलो ₹8 का आता है, तो सबसे पहली जो कॉस्ट होगी उसकी वो होगी रॉ मटेरियल की, और वो होगी 3 × 8, ठीक है ना? 3 किलो रॉ मटेरियल 1 यूनिट में लगता है और 1 किलो ₹8 का आता है, तो 3 × 8 कितने हो गए, 3 × 8 हो गए $24। यहां पे मैं लिख देता हूं $24, 1 यूनिट में $24 का रॉ मटेरियल लगता है। इसके बाद लेबर, 4 घंटे लेबर के लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, और 7.50 पर आवर पेमेंट होती है। तो अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूंगा तो 4 घंटे लेबर के लगते हैं और 1 घंटे के मैं 7.50 पे करता हूं, तो 4 घंटे के टोटल कितने पे करूंगा, 4 × 7.5 इज $30 मैं पे करूंगा लेबर के, ठीक है? उसके बाद लिखा हुआ है, अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट अमाउंट टू $4 पर यूनिट, दूसरा जो खर्चा है डायरेक्ट प्रोडक्शन का, दूसरा जो डायरेक्ट कॉस्ट का खर्चा है, दूसरा जो डायरेक्ट खर्चा है अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वो है $4 पर यूनिट, एक यूनिट पर 4 है, ठीक है?
इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा भाई हम देखते हैं कि और क्या क्या अमाउंट हमें दी हुई है। अच्छा ये याद रहे कि उसने इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू पूछी है, और जब इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू पूछी जाती है तो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को शामिल करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट का मतलब ये है कि उस यूनिट को बनाने के लिए जितना खर्चा हुआ होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो सेकेंड हमारे पास बात लिखी हुई है, ये सेल्समैन से रेलेवेंट एक्सपेंस है। सेल्समैन कौन होता है? सेल्समैन वो बंदा होता है जो चीजें बेचता है, राधे दिन की चीजें बनाता हो, ठीक है। तो ये जो बात लिखी हुई है ना, द सेल्समैन इज पेड अ कमीशन एंड अर्न्स डॉलर 2.50 फॉर ईच आइटम सोल्ड। ये बात तो सही है कि इसको हमने पे किए हैं, लेकिन हमने क्या इसको यूनिट बनाने के पे किए हैं? नहीं, इसको हमने यूनिट बेचने के 2.50 पर यूनिट पे किए हैं। हमें इन्वेंट्री के यूनिट की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि उसमें हम सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे लेकर आएंगे, यानी कि वो खर्चे जो फैक्ट्री में इनकर हुए होंगे। अच्छा आगे लिखा हुआ है द फैक्ट्री सुपरवाइजर इज पेड डॉलर 18,000 अ ईयर। जो सुपरवाइजर है ना उसको पूरे साल के 18,000 डॉलर पे करता हूँ। और ये कहाँ का सुपरवाइजर है? ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। तो अगर ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर है तो ये 18,000 जो हो गए ये मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हो गए, फैक्ट्री के खर्चे हो गए। तो मैं यहाँ पर सुपरवाइजर्स सैलरी जो है उसका अमाउंट इंक्लूड करूंगा। अब वो कैसे इंक्लूड करूंगा? देखो डॉलर 18,000 है पूरे साल के, है ना, डॉलर 18,000 है पूरे साल के, तो एक महीने के कितने हुए? 12 से डिवाइड करो पहले। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना बनता है? ये बन जाता है 1500। 18,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना बन जाता है? ये बन जाता है 1500, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चर ये जो सुपरवाइजर की सैलरी का महीने का खर्चा है वो 1500 हो गया। अच्छा उसके बाद हमने कितनी चीज़ें बनाई हैं? हमने पूरे महीने में 1250 चीज़ें बनाई हैं, ये भी मेंशन है सवाल में। हम तो एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम तो सारी वर्किंग क्या कर रहे हैं? पर यूनिट कर रहे हैं। तो अगर मैंने 1500 का खर्चा सुपरवाइजर का एक महीने का किया है और मैंने एक महीने में 1250 यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? 1500 डिवाइडेड बाई 1250। और 1500 डिवाइडेड बाई 1250 कितना होता है भाई? 1500 डिवाइडेड बाई 1250 आपका बन जाता है ये 1.2, ठीक है। 1500 डिवाइडेड बाय 1.2 जो है, 1500 डिवाइडेड बाय 1250 इज 1.2। तो 1.2 का सुपरवाइजर सैलरी का एक्सपेंस होगा एक यूनिट में। वापस से ये वर्किंग देखो, देखो पूरे साल की फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी दी हुई 18,000, तो एक महीने की कितनी हुई? 12 से डिवाइड कर दो, 1500 हुई। और एक महीने में यूनिट्स कितने बना रहे हो? 1250, तो पर यूनिट कितनी हुई? 1.2 हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ शिपिंग टू कस्टमर इज डॉलर 1 ईच। अगेन जो शिपिंग की कॉस्ट है, अगेन ये जो शिपिंग की कॉस्ट है ये हम यूनिट बनाने के लिए इनकर नहीं कर रहे हैं, ये हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू में नहीं आती है। ये कॉस्ट जो है ना ये अगेन सेलिंग की कॉस्ट है, बेचने के लिए खर्चा किया। जिस तरह से ये सेल्समैन का कमीशन था ये सेलिंग की कॉस्ट थी, ये बेचने के लिए खर्चा किया, ये इंक्लूड नहीं किया। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ शिपिंग टू कस्टमर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद और आगे आते हैं, तो सवाल कहता है कि एवरी टाइम 50 यूनिट्स आर कंप्लीटेड मेंटेनेंस कॉस्ट डॉलर 30 इज परफॉर्म्ड ऑन मशीनरी। यानी कि हर बार जब आप 50 यूनिट्स बनाते हो तो $30 का मेंटेनेंस का खर्चा होता है। इसका मतलब मेरा जो खर्चा है वो $30 का होता है हर 50 यूनिट्स पर। तो 30 डिवाइडेड बाई 50, एक यूनिट पर कितना खर्चा होता है? 30 डिवाइडेड बाई 50 विच इज $0.6। 30 डिवाइडेड बाई 50 इज $0.6। 30 डिवाइडेड बाई 50 इज $0.6। तो अगर $0.6 का ये खर्चा हो रहा है, ये मेंटेनेंस का है, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। सर मेंटेनेंस का खर्चा क्या मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होता है? यस, बिकॉज ये किस चीज़ की मेंटेनेंस है? ये वो मेंटेनेंस है जो मैं मशीन्स की मेंटेनेंस करवाऊंगा जिस पे यूनिट्स बन रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट 24,000 का है, और ये 24,000 का रेंट जो है ना ये पूरे साल का रेंट है, पूरे साल का रेंट है। तो एक महीने का कितना हुआ? उसके लिए 12 से डिवाइड करो। 24,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है भाई? 2,000। 2,000 का रेंट एक महीने में पे करते हो और एक महीने में 1250 यूनिट्स बनाते हो, तो पर यूनिट कितना हुआ? 2,000 डिवाइडेड बाई 1250। 2,000 डिवाइडेड बाई 1250 निकालो। 2,000 डिवाइडेड बाई 1250 इज 1.6। 2,000 डिवाइडेड बाई 1250 इज $1.6। तो हम जब रेंट की अमाउंट शामिल करेंगे तो रेंट का खर्चा हम इंक्लूड करेंगे 1.6 के हिसाब से, सही है ना, एक यूनिट में। मैं वापस से समझाता हूँ, 24,000 क्या है? पूरे साल का है। तो 24,000 को 12 से डिवाइड किया, एक महीने का रेंट कितना है? 2,000। अब एक महीने में आप 1250 चीज़ें बनाते हो तो एक यूनिट पर कितना एलोकेट हुआ या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 1.6, ठीक है।
अच्छा इसके बाद लिखा हुआ है अदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स अमाउंट्स टू 12,000 अ ईयर, कुछ और खर्चे हैं जो 12,000 पूरे साल के हैं। अगेन ये 12,000 जो है ये पूरे साल के हैं, तो एक महीने के कितने हुए 12,000 डिवाइडेड बाई 12, एक महीने के कितने हुए 12,000 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 1,000 हो गए। ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 1,000 हो गए एक महीने के। और एक महीने में कितने यूनिट्स बना रहा हूँ, एक महीने में मैं 1250 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो 1250 से फर्दर डिवाइड अगर करता हूँ तो एक यूनिट पर आते हैं 0.8। ठीक है ना, तो ये क्या है अदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि आ रहे हैं 0.8। सही है भाई, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं। अब मैं इनको ऐड कर और पर यूनिट इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल लेता हूँ। पर यूनिट कॉस्ट जब हम इन्वेंट्री की निकालते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे इंक्लूड करते हैं, बाकी कोई खर्चे इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने ये वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एडमिन से रेलिवेंट होती है या जो ऑफिस से रेलिवेंट खर्चे होते हैं, राधर देन के ये वो खर्चे हों जो फैक्ट्री में इनकर हुए हैं। यहाँ पर हमें वो सारे खर्चे इंक्लूड करने होते हैं जो फैक्ट्री में इनकर हुए हैं या यूनिट को बनाने के लिए या उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है ना हमने इनकर करें। तो 24 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 1.2 प्लस 0.6 प्लस 1.6 और प्लस 0.8 सबको ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है 62.2 का खर्चा। ठीक है, एक यूनिट मुझे कितने का पड़ता है 62.2 का पड़ता है। इस तरह से हमारा पार्ट ए जो है वो सॉल्व हुआ। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में लिखा हुआ है कृति सिंह uses a markup of 30% on total cost to calculate the selling price। यानी कि ये जो बंदा है जिसका ये काम है वो क्या करता है कि जो total cost होती है, manufacturing cost नहीं, जो total cost होती है ना उसमें 30% add करता है which is markup और अपनी selling price निकालता है। ठीक है, total cost की अब बात कर रहा है, अब manufacturing की cost की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है स्टार्टिंग विद योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए, अपने पार्ट ए के आंसर से स्टार्ट करो, कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालो। अगेन बड़ा आसान सा पार्ट है, जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो हमने जो यहाँ पर ये जो 62.2 की वैल्यू निकाली है ना, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये कौन सी कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, जो फैक्ट्री में लगी होती है जिससे यूनिट बना होता है। लेकिन इस कंपनी की क्या पॉलिसी है कि हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम 30% ऐड करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है तो इसमें नॉन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट शामिल नहीं है, जो कॉस्ट हम इग्नोर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स को डिलीवर करने की कॉस्ट शामिल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसमें कमीशन शामिल नहीं है, ये सारे खर्चे शामिल नहीं है। तो अब हम अपनी वर्किंग कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पार्ट बी की वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखेंगे एक यूनिट की और वो कितनी है 62.2 है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 62.2 है और उसमें जो खर्चे हमने सेलिंग के लिए इनकर करे हैं, जो हमने ओमिट किए थे वो ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल्स कमीशन की बात करता था और इसमें इसने बोला था कि एक मुझे जो है ना सेल्स कमीशन देना पड़ता है। इस यूनिट को बेचने के लिए कोई एजेंट रखा होगा, वो चीज़ें दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्स की बात करें तो शोरूम पर सेल्स एजेंट होते हैं जो गाड़ियाँ दिखाते हैं लोगों को, लोग गाड़ी पसंद करते हैं तो उसको खरीदते हैं, तो जो बंदा गाड़ी दिखाने वाला होता है ना जनरली उसको कुछ कमीशन देती है कंपनी कि यार अच्छे से गाड़ी दिखाना, अच्छे से कस्टमर को सर्विस देना ताकि वो गाड़ी खरीदे हमसे। तो हम इसको एक बंदे को सेल्स कमीशन पे कर रहे हैं या कंपनी एक बंदे को सेल्स कमीशन पे कर रही है। तो ये जो सेल्स कमीशन है ये भी क्या है, ये मेरा खर्चा है। पहले क्यों नहीं ऐड किया था, बिकॉज ये वो खर्चा नहीं है जो चीज़ को बनाने के लिए इनकरवा हो, राधर देन ये वो खर्चा है जो मैं इनकर कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ बिक जाए। 2.5 इसको इंक्लूड किया। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ शिपिंग को इग्नोर किया था $1। कॉस्ट ऑफ शिपिंग क्या है, डिलीवरी की कॉस्ट, जिस तरह से हम कोई चीज़ अपने घर पर डिलीवर करवाते हैं तो शिपिंग की एक कॉस्ट होती है, वो पहले इंक्लूड नहीं की थी क्योंकि इन्वेंट्री की यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर या उसको बनाने की कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर अब शिपिंग करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट पर आने के लिए तो इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके बाद एडमिन का खर्चा था, एक और चीज़ लिखी हुई थी ना वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अमाउंट्स टू $8.20, तो हम यहाँ पर एडमिन का एक्सपेंस जो है उसको भी ऐड करेंगे और एडमिन का एक्सपेंस अगर ऐड करते हैं तो वो 8.20 का आता है। सारे एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर लेते हैं
अगर हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं और हम अपने टोटल कॉस्ट पर आ जाते हैं या टोटल एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं, तो वो बन रहे हैं 62.2 प्लस 2.5 प्लस 1 प्लस 8.2, ठीक है ना। तो ये टोटल अमाउंट बन जाता है 73.9 का टोटल कॉस्ट का अमाउंट बनता है। अच्छा, सवाल ने ये कहा था कि हमें सेलिंग प्राइस बताओ। अब मुझे ये मालूम है ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड देयरफॉर प्रॉफिट, अगर ये माइनस कॉस्ट प्राइस लेफ्ट साइड पर आए, तो प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इस रूल से हमें अपनी सेलिंग प्राइस निकालनी है। हमें कॉस्ट पता है, हमें पर यूनिट कॉस्ट पता है 73.9। इसमें अब हमें क्या ऐड करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं। सर प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे, कंपनी ने ये कहा हुआ है कि कृति सिंह यूजेस अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन टोटल कॉस्ट टू कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस। यानी कि जितने रुपए की भी चीज़ पड़ती है, जो उसकी कॉस्ट पड़ती है, जो कि 73.9 पड़ रही है, कंपनी उसमें जो है वो 30% मार्कअप को ऐड कर लेती है ताकि उसकी सेलिंग प्राइस आ जाए। तो अगर मैं 73.9 पर 30% अप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाता है हमारा 22.17 जो है ना, ये हमारा प्रॉफिट है। और फिर हम अपनी सेलिंग प्राइस पर आ जाएंगे, 73.9 प्लस 22.17 विच इज 96.07, ठीक है ना। 96.07 क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसने हमसे सेलिंग प्राइस पूछी थी, सही है। पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012। हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी को कितनी इनकम हुई, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने है, चलो स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट जब बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा सेल्स रेवेन्यू। अब सर सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। देखो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ऑन 1st April 2012 देर वेर नो यूनिट्स इन इन्वेंट्री, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 1250 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, इतने यूनिट्स आपने बनाए। ऑन 30th April 2012 देर वेर 150 यूनिट्स अनसोल्ड, और 150 यूनिट्स अनसोल्ड थे। तो अगर आपने 1250 यूनिट्स जो है वो बनाए हैं और इसमें से 150 यूनिट्स अनसोल्ड हैं, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपने 1100 यूनिट्स जो है ना वो बेचे होंगे, 1100 यूनिट्स की सेल हुई होगी, 1100 यूनिट्स आपने बेचे होंगे। और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 96.07। तो हम सबसे पहले अपना इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे, विच विल बी 1100 मल्टीप्लाइड बाई 96.07, ठीक है। 1100 मल्टीप्लाइड बाई 96.07, अच्छा 1100 मल्टीप्लाइड बाई 96.07 कितना बनता है, 105,677, ये हमारा सेल्स रेवेन्यू आ गया, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस होता है, सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा जाता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि सवाल में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करते हैं वो आता है ओपनिंग स्टॉक के बाद। ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन लिखेंगे। अब प्रोडक्शन के लिए क्या लिखेंगे, हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है, 1250 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है, और एक यूनिट जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है। एक यूनिट कितने का बना है, 62.2 का बना है। तो अगर एक यूनिट 62.2 का बना है और हमने 1250 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1250 इंटू 62.2 इज 777,750, ठीक है ना, 777,750। प्रोडक्शन कितनी है, 77,750। इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 1250 यूनिट्स बनाए थे, उसमें से 1100 बिक गए, 150 बचने चाहिए, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि देर वेयर 150 यूनिट्स अनसोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक 150 इंटू 62.2 कितना आता है, 150 इंटू 62.2 ये बनता है आपका 9,330। क्लोजिंग स्टॉक 9,330, इसमें से माइनस किया 77,750, माइनस आंसर इज 68,420। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना जब हम इस चीज को माइनस करते हैं। तो
तो 1056 77 माइनस 6 8 4 20 ये बचा था आपका 37257 37257। ये क्या है? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। दूसरे जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे माइनस होते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन के खर्चे माइनस होते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे आएंगे कि एक तो आपके पास सेल्स कमीशन है 2.5 का, ठीक है ना? और सेल्स कमीशन कैसे आएगा भाई? हमने कितने यूनिट्स बेचे? 1100 यूनिट्स बेचे हैं ना, तो हमने 1100 यूनिट्स का सेल्स कमीशन पे किया होगा। सेल्स कमीशन कितना आएगा? एक यूनिट पर कितना सेल्स कमीशन पे किया? 2.5, और 1100 यूनिट्स बेचे हैं, तो 1100 into 2.5 is 2750 का हमारा सेल्स कमीशन है। अच्छा, उसके बाद शिपिंग एक यूनिट की $1 थी, एक यूनिट की शिपिंग जो थी वो $1 थी, तो हम जब यहाँ पर शिपिंग की कॉस्ट लिखेंगे तो हमारी शिपिंग की कॉस्ट कितनी आएगी? हमने 1100 यूनिट्स बेचे, 1100 यूनिट्स की शिपिंग करवाई होगी, 1100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अगेन 1100। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ और वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस थे 8.2 के, यहाँ पर भी लिखे हुए, यहाँ से भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है ना? तो वेरिएबल एडमिन कॉस्ट जो है वो 8.20 पर यूनिट है, देयरफॉर हम यहाँ पर जो वेरिएबल एडमिन की कॉस्ट है वो 8.20 पर यूनिट है, तो 1100 मल्टीप्लाइड बाई 8.2 करेंगे विच इज 9020, ठीक है? तीसरा खर्चा हमारा 9020, इन सबको ऐड करते हैं, 9020 प्लस 1100 प्लस 2750 विच इज 12870, और यहाँ से हम लोग 12870 माइनस करेंगे, 12870 माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 37257 माइनस आंसर विच इज 24387 क्या है? ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है? ये हमारा नेट प्रॉफिट है, 24387 हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है? तो हमने अपना अगला पार्ट भी कर लिया, विच वॉज प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012, और हमारा इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 24387 आ रहा है। अब वो बोलते हैं कि रिकनसाइल द टोटल प्रॉफिट विद द मार्कअप पर यूनिट, यानी कि जो आपका मार्कअप पर यूनिट था वो और जो आपका टोटल प्रॉफिट जो है उसमें डिफरेंस क्यों है ये बताओ, या उनको रिकनसाइल करो, उनको सेम कर दो। देखो, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 24387 आ रहा है। 24387 का मतलब क्या है? कि पूरे साल में हम 24387 रुपीस कमाएंगे, एग्री? यही मतलब है, बिल्कुल यही मतलब है। वो ये कहते हैं कि यार आपका जो मार्कअप आ रहा था, यानी कि एक यूनिट का जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो 22.17 आ रहा था, तो ये 22.17 में जो आपने यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट्स में, ये जो 22.17 आप कह रहे थे कि एक यूनिट बेचूंगा उस पर 22.17 कमाऊंगा, इसमें और ये जो 24387 है इसमें क्या फर्क है? इसकी एक रिकनसिलिएशन बना दो, यानी कि हमें एक ब्रीफली बता दो कि क्यों फर्क है। तो ऑब्वियसली फर्क इसलिए है कि भाई ये जो अमाउंट आ रहा था ना 22.17, ये एक यूनिट पर कितना कमाऊंगा ये चीज थी, और यहां पर ये जो अमाउंट आ रहा है ना 24387, ये सारे यूनिट्स का आ रहा है। तो रिकनसिलिएशन कैसे बनेगी? रिकनसिलिएशन ऐसे बनेगी कि मैं लिखूंगा पार्ट डी में मैं लिखूंगा पर यूनिट मार्कअप, यानी कि जो ऊपर एक यूनिट का मार्कअप आ रहा है वो लिखूंगा, और एक यूनिट का मार्कअप कितना है? एक यूनिट का मार्कअप है 22.17, करेक्ट? एक यूनिट का मार्कअप है 22.17, मैं लिखूंगा पर यूनिट मार्कअप 22.17, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट्स सोल्ड से। अब यूनिट्स सोल्ड कितने होंगे? यूनिट्स सोल्ड है हमारे 1100, हमने 1100 यूनिट्स बेचे हैं, है ना? अगर मैं ऐसा करता हूं तो 22.17 मल्टीप्लाइड बाय 1100 इज 24387। देखो, ये 24387 के ही बराबर है, ठीक है ना? ये टोटल प्रॉफिट ही आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आ गया, यानी कि अगर आप पर यूनिट मार्कअप को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है, विच मीन्स कि ये पार्ट भी हमने कर लिया। बस इतना सा करना था, हमें 22.17 से शुरू करना था, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना था और 24387 लिख देना था, बस ये प्रूफ कर देना था लोगों को कि भाई ये दोनों देखो इस तरह से बराबर है, ठीक है? अगली पार्ट पर आते हैं, आगे क्या बोलते हैं? कृति सिंह इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग हर बिजनेस, अब ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रही है, एंड मैन्युफैक्चरिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट, और सोच रही है कि मैं एक और प्रोडक्ट जो है वो बनाऊं,
प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज फॉर दिस प्रोडक्ट फॉर दिस प्रोडक्ट आर, ये जो नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट $60 पर यूनिट, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो $60 पर यूनिट होगी। वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट $10 पर यूनिट होगी। रेंट ऑफ सेकेंड फैक्ट्री $30,000 अ ईयर, ये एक अलग फैक्ट्री हम रेंट पर लेंगे। सुपरवाइजर सैलरी $22,000 अ ईयर, एक और सुपरवाइजर होगा उसकी कुछ सैलरी होगी। अदर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $18,000 अ ईयर, ये सारे खर्चे होंगे। प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी 2000 यूनिट्स अ ईयर, एक साल में 2000 यूनिट्स बनाऊंगा मैं, ठीक है। विद नो इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स बीइंग हेल्ड, और कोई भी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं होगी। शी विल यूज द सेम मार्कअप फॉर द न्यू प्रोडक्ट एज एट प्रेजेंट। सेम मार्कअप का मतलब है 30% मार्कअप रखकर हम चीजों को बेचेंगे। सवाल में बोला हुआ है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द ईयर पूरे साल का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कितना होगा, ठीक है। तो चलें अब इसकी हम वर्किंग करते हैं पार्टी की। मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस जो है उसको क्लियर आउट करता हूँ ताकि मैं इसकी वर्किंग कर सकूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब वर्किंग किस तरह की होगी भाई? वर्किंग इस तरह की होगी कि एक यूनिट बनाने में $60 का डायरेक्ट प्रोडक्शन का खर्चा है और $10 का एडमिन का खर्चा है, और मैं 2000 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा, है ना, 2000 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा। तो मैं पहले वेरिएबल कॉस्ट लिख लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक यूनिट की कितनी है? 60 + 10 विच इज एक यूनिट की 70 है। 2000 यूनिट्स की कितनी होगी? आप 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 + 10 इज 70, 70 × 2000 इज $140,000। $140,000 की क्या होगी? $140,000 जो है ना इसकी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड कर दो। फिक्स कॉस्ट क्या क्या है? 30, 22 and 18 सबको ऐड करो, 30,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 18,000 सबको ऐड करेंगे तो 70,000 ये एक और खर्चा बन जाता है। अब आप देख लो कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट देखूं दोनों को ऐड करूं तो 210,000 हो जाता है। टोटल कॉस्ट है वो 210,000 है, ठीक है, टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमें जो हम जो है ना वो 30% मार्कअप रखेंगे। 30% मार्कअप रखेंगे ये हमें ऊपर से दिया हुआ था, यानी कि जितनी कॉस्ट होगी उसमें हम 30% ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? हमसे इसने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछा है ना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो होगा ना वही पूछा है इसने। तो हम क्या करेंगे, हमने ये जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी है 210,000, हम इसका 30% ले लेंगे। 210,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 210,000 का 30% कितना होता है? 210,000 का 30% होता है 63,000, 63,000 बनता है, ठीक है। 210,000 का 30% जो है वो 63,000 बनता है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, वो 63,000 होगा, ठीक है। यह हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जो हमने यहाँ पर ई में कैलकुलेट करना था। अच्छा, अगर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पूछता, सिर्फ अगर पूछता ना, उस केस में मैं बता रहा हूँ। देखो, हमें ये मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं ये माइनस सी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, पी प्लस सी इज इक्वल्स टू एस आर, यानी कि इन दोनों को ऐड अगर कर देंगे तो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा। ये पूछा नहीं है इसने, लेकिन अगर पूछता तो सेल्स रेवेन्यू अगर पूछता तो क्या करते, 210,000 प्लस 63,000 दोनों को ऐड कर देते, कितना आता? 210 प्लस 63 इज 273,000। और अगर ये सेलिंग प्राइस पूछ लेता, सेलिंग प्राइस हमेशा पर यूनिट होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, एक यूनिट कितने का बिकेगा, तो ये जो 273,000 है, ये 273,000 तो क्या है, ये 273,000 2000 यूनिट्स का है। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो इस 273,000 को मैं 2000 से डिवाइड करता, 273,000 डिवाइडेड बाय 2000 इज 136.5, ठीक है ना, 136.5 सेलिंग प्राइस, $136.5 पर यूनिट। ये पूछी नहीं है लेकिन अगर पूछता तो सेलिंग प्राइस ऐसे आ जाती, ठीक है। तो अपने पास ये वर्किंग कर लेना। अच्छा, अब एक मुश्किल पार्ट आ रहा है, और वो मुश्किल पार्ट ये है कि कैलकुलेट दी सेंसिटिविटी ऑफ दी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट टू चेंजेस इन सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट। सर, सेंसिटिविटी होता क्या है?
सेंसिटिविटी इज अ परसेंटेज, और उस परसेंटेज में हम ये बताते हैं कि हमारी सेल्स प्राइस कितने से कम हो जाएगी तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, यहां तक चीजें कंफर्म कर लेना, जो जो पढ़ा है यहां तक पक्का कर लेना, उसके बाद ये सेंसिटिविटी वाले पार्ट पर आना। ठीक है, मैं भी सेंसिटिविटी वाला पार्ट जो है वो इस सवाल के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करता हूं, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, तो पार्ट 2 में इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है,